अलमारी को सेट कर रहे हैं अंदर, वो देखे नीचे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये काफी ऊंचा है। वो बॉक्स से भी ज्यादा थे, वो मैंने उसके वो साकेब के बॉक्स में रखे। आप नहीं पहनते, जो भी पड़े हुए हैं ना सारे देखें, जो पहनने वाले होंगे वो कितने दे दे। ये धोने नहीं है, फिर चार पाइयां जो डाल रही हो ये सूखेंगी नहीं। के ऊपर जो है छिपली वो आ जाती है और बिल्ली ऊपर चढ़ जाती है। जो भी उनको कलर पसंद आएगा ना जी, बंदा चॉइस करके पहन लेता है। और उसको बोलो मेरे कपड़े भी रख छोड़ो, मेरे कपड़े भी रख छोड़ो। नहीं वो उधर कल जो बकरियों के साथ गया है ना उधर, हम दोनों बात नहीं करेंगे, रोटी लेके। हाँ मैं बहुत अफसोस है, बेचारे का चोला फट गया। रात तो मेरे आंखों से आंसू आ गए जब मैंने ये सुना। अरे क्या तो बात कर ली, सुबह सुबह मैंने उसकी हालत देख, हर गम उठा लो तला केला। वाह आप दुल्हन सिलेक्ट कर लो, पसंद कर लो, जो भी आपको अच्छी लगती है बता दो। शादी थोड़ा मारे इधर खाली जगह पे। वो देखो वो उनको भी नहीं पीने दे रही, वो दो वालों को। और जब इतनी ठंड होगी तो फिर कितना दिन चाय बनेगी, तीन तीन चार चार बनेगी, मतलब पूरा दिन चाय बनती है। रोक नहीं देती, जरा ही मैं छेक का खाती है दबाव देती है, तले नीचे का पसीना आ जाता है। चलो जी बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, हमारे घर में भी सब ठीक ठाक है। तो सुबह सुबह का टाइम है, हमारा सुबह का व्लॉग शुरू हो चुका है। और जैसा कि सुबह की रूटीन होती है खाना पीना, और इधर चाय भी बन चुकी है एक देश की, और दूसरी देश की जो है वो बन रही है, क्योंकि हमारे घर में ना दो दो देश की बनती है अभी कुछ ना। सर्दियाँ भी इतनी नहीं है, दो देश की बनती है। और जब इतनी ठंड होगी तो फिर कितना देश की बनेगी, तीन तीन चार चार बनेगी, मतलब पूरा दिन चाय बनती है। और इधर सालन का भी सामान रेडी कर दिया है भाभी ने, और मैंने आटा वगैरह गूंद लिया है, और अम्मी ने भी चाय पी ली। और आज अम्मी से पूछते हैं कि वो ना जैसे हमारे सरायकी में ऐसे वो बांध देते हैं, आज अम्मी ने ऐसे बांधा हुआ है। पूछते हैं आज क्या हो गया है अम्मी? बस तबीयत ठीक नहीं है। हाँ अम्मी के ना सर में दर्द है और नज़ला जुकाम है। अच्छा रोज सुबह की रूटीन। हाँ जी ये भी रूटीन है, बीमार होना नज़ला जुकाम बुखार सुबह सुबह रूटीन बन गई। हाँ तो दर्द कौन है ना, जब मैं पट्टी ना बांधू ना मुझे आराम नहीं आता, नींद भी नहीं आती, मैं रात दाए बंधा हुआ। ये पट्टी ना एक अलामत है कि जो इंसान पच्ची होता है ना थक जाता है, टूट जाता है, वो फिर ये पट्टी चलाता है। मैं भी थक गया हूँ नज़ले जुकाम। अच्छा गुस्सा आ गया भाई, पट्टी चढ़ा ली। ये मेरी शुरू तो आदत है, जब भी बुखार आए नज़ला जुकाम जैसे भी सर में दर्द होता है ना ये पट्टी लाजमी, अगर पट्टी ना चढ़ा तो वो ज़्यादा जितना सर फटने लगता है मुझे सुकून नहीं आता, ये ना पसीना आ जाता है ना आराम हो जाता। ये पट्टी रोक लेती है सर दर्द? रोक नहीं देती, जरा ही मैं छेक का खाती है दबाव देती है तले नीचे का पसीना आ जाता है, फिर आराम हो जाता। देसी हर्बा? देसी हर्बा है। अच्छा वो बिल्ली उधर आग तो नहीं है उस भट्टी के नीचे? नहीं अभी देर आग नहीं जली। अच्छा बिल्ली नीचे पड़े हुए हैं, मेरे का जाल ना जाए। अभी अट्टा गुंजा हुआ है, अभी आग नहीं जलाएगी। कौन सर किधर भाग गए? उधर गए। चलो माशाल्लाह आप चाय पी रहे थे, चलो पिए पिए। पी ली मैं। अच्छा और ले ले। नहीं और नहीं पीने, नाश्ते के बाद पिएंगे, और खाली एक प्याला ढेर है तो मैं जाती हूँ झाड़ू लगाने। इतने भी तबीयत खराब नहीं है? नहीं ज़्यादा मसला नहीं है, थोड़ा बताओ ना ऐसे दिन कल जो जुकाम था ना रात ना वो जुकाम ऐसे बंद हो गया, गला खराब हो गया, तो सिर में दर्द ऐसा लगा जैसे कोई बुखार आ रहा, तो
होने ना उठियो चाय वगैरह पी लो, कोई तबीयत बेहतर है कुछ काम ना भेज लो। अच्छा कितने अफराद बीमार हैं गिनते करें? जुकाम तो सबको है, फरमान है और रजवाना है, मैं हूँ, कौसर है, आप हैं, समिया भी है और जकिया। जकिया तो पता नहीं है, जकिया को लगता है नहीं है, समिया को काम था, मैं को समिया को तो इतना सब। रजवाना भी खांस रही है, ये भी बीमार है जी, खांस रह जाते जी, गला खराब हो जाता है इसलिए। छह बंदे हैं ऐसे तो 12 जो शानदार मंगवाए हैं, दो टाइम पी लें, सही है रिजवाना? हाँ जी। मैंने वो क्या कहते हैं, हाँ तरफदार एक आते थे सबके जो शानदार आने वाले हैं। हाँ जी। परेशान तो नहीं हो? नहीं। खुश तो नहीं हो? अल्लाह ताला दुख देता है। खुश हो ना? हाँ, बीमारी से भी खुश है देखो। वैसे खुश हूँ, बीमारी से नहीं, वगैरह दी कौन सा कोई बन जाए बीमारी देता है, अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह से पे कौन नाराज होता है। हाँ देखे मैं भी खेल रहा हूँ, मुझे भी कुछ है। हाँ जी। चाय पीना चाहोगी? हाँ जी चाय पीने आई हूँ। नहीं हमने नहीं देनी चाहिए आपको, क्योंकि आप बीमार है ना। जब बीमार होता चाय नहीं पीता। हाँ वो कल को फिर और बसला भर जाए, आप बोलेंगे इन्होंने चाय पिलाई थी। नहीं हमने नहीं देनी भाई, चाय रो के दिखाओ या ना दो, इससे आना है ना वो रोने लग जाती है। हाँ जी। चलो इसको ना चाय दे दे, बल्कि मुझे दे दे इसको ना मुझे दे दे, मैंने तो पीनी है अभी। आपने क्यों पीनी है, आप तो बीमार हो। ओ सिर में दर्द है ना, तो ठंडा हो जाएगा सारा। अच्छा ऐसा करो रिजवाना, वो चाय मुझे लगता है गर्म हो रही है, आप भी ले लो और मुझे भी दे दो, ना आप रोए ना मैं। अच्छा कमरान, क्या वो उधर फल पे चेक रहे थे, क्या हुआ था उनको? अभी सुबह सुबह जब आप उधर भाग के जा रहे थे। अच्छा मैंने सुना, मैंने कहा क्या हो गया बकरियों के बच्चों को, कोई दूध शुद्ध पिला ले आया? अभी तक भी नहीं पिलाया, अब तो ठंड नहीं है, अब तो पिला देते हैं उन्हें, रात भर के बेचारे भूखे होते हैं। है? और आपने क्या बनाया सालन के लिए? आलू। अच्छा फिर से आलू, कब से खाया भी नहीं है, 3-4 दिन हो गए। चाय को फिर से बना रही है या बनी हुई है? चलो बना के देना, बच्चे आए हैं बकरियों के बच्चों को दूध पिलाने, वो देखे मुनीब ने उठाया हुआ है। हाँ जी ये किस बकरी का है, इसको दूध पिलाओ। अंदर खड़ी है, उसको बाहर पर्दा है क्या? नहीं वो ठंड वगैरह होती है ना। ओ ओ ये भी भाग गई, चलो ले आओ, ये इसकी अम्मी है, इसको तो पता ही नहीं है मेरा बेटा किधर है। अच्छा पहला पहला सोआ, वो देखो वो उनको भी नहीं पीने दे रही, वो दो वालों को, ये देखें ये सब पिला रही है, किसी का एक है किसी के दो है, बस एक के दो है ना, बाकी टोटल कितने हैं? वो देखो वो भागे जा रही है, दूध भी नहीं पीने देते उन्हें, वो देखो इनको पकड़ के रखो तो पी ले। और मैमी आ गई इधर, भूख से बेचारे भाग रही है। वो एक ना ऐसे बात सुनो आसिब, एक मैमी पी जाएगी फिर ये भूखे रह जाएगी, दोनों को एक साथ पिला लो।
ठंड बहुत होती है, इसलिए रात को अंदर होती है सारे बकरे। अभी सुबह सुबह जो है ना यहाँ निकल आई है, इनके खुले आज़ादी है। ये अंदर रूम भी बना है, जिसका दिल करे रूम में चला जाए, जिसका दिल करे बाहर बैठा। हाँ, इसकी टांगे पकड़ लो, खुद ही पी लेंगे दूध। जो बच्चों से प्यार करते हैं ना माया, वो खुद ही पिलाते हैं। वो देखो अच्छा अच्छा दूसरों के इसलिए भाग जाती है। हाँ, मूलियाँ हो रही है या खत्म हो गई? मुझे थोड़ा मारे इधर खाली जगह से कहना कहना मुझे नहीं मारा ना, इतना सारा शरीर गंद होना रखा। अच्छा, सारी हो गई हैं, ये कुछ बड़ी हैं वो बाद में हो गई हैं सारी। हाँ जी, वो सारी हो गया क्या? तो आज क्या इरादा है, पानी शानी लगा ले? हाँ लगा है, देखिए बहुत ज़्यादा सूखी पे जमीन, पानी लगा ले फिर जो है ना बड़ी हो जाएगी। हाँ, ये देखें जी मूलियाँ हमारी अब इतने तक पहुँच चुकी हैं। ये देखें, ये जो है वो बड़े वाली हैं, और जो वो है ना वो अभी पैदा हुई हैं बेचारी, छोटी छोटी हैं। आज इनको पानी देंगे तो फिर मूलियाँ खाने को नसीब होंगी। और मौसम जी आज कुछ साफ है, धुंध वगैरह नहीं है इतनी, सूरज भी निकल आया सुबह सवेरे। इसके अलावा ये जो है ना अलमारी हमने रख दी है इधर बाहर, कल जो है कल अबू नहीं थे घर, चले गए कहीं बाहर, तो इसलिए नहीं रख पाए, क्योंकि हमारा तो पता है आपको हम इतना वज़न नहीं उठा पाते। तो अबू शाम को आए हैं लेट, इसलिए अभी जो है ना इसको अंदर रखेंगे, सजाएंगे, इसकी फिटिंग करेंगे कसर वाले रूम में। माशाल्लाह दादा भी उठ गए हैं, आपसे बातें चीतें कर रहे हैं। माशाल्लाह गांव की सुबह जो है ना बहुत ही प्यारी लगती है। हमने रोटी बनाना जो है शुरू कर दिया है, और कमरान जो है अभी नाश्ता कर रहा है, क्योंकि आज कमरान की बारी है, बकरियों के साथ जाएगा। और हसीब भी आ गया है, पता नहीं गधा को किधर ले गया था, वो देखो फिर से भाग रहा है। और हसीब का पीछे से कमीज फटा हुआ है, वो पता नहीं रात भर कमरान के साथ झगड़ा करता है, वो तो नहीं क्या। हाँ, ये कहता है ऊपर ना झंडी पर चढ़ा हुआ था तो उधर से फट गया। नहीं, वो उधर कल जो बकरियों के साथ गया है ना उधर ही, और सालन पता नहीं हमारा रेडी हो चुका है कि नहीं। अल्लाह अल्लाह नहीं, सालन का बताए, वो गरम गरम नाश्ता ना दादाजी को दे दे। सालन को बस थोड़ी सी दे रही हूँ, सोच रही हूँ कि जाती हूँ छापे और कोलिया वगैरह लेके आती हूँ, रोटी देती हूँ। सोचे नहीं ले आए, देती हूँ, पके हो सही, गरम गरम खाते है ना रोटी, तो सालन तो पके, रोटी गए तो सालन बाद में दूंगी। अच्छा अच्छा, सोचे नहीं ले आए। और इसको भी घी लगा दें, वो हसीब भी आ गया है, हसीब भी खाने के लिए आ गया, जो देखने के लिए आ गया। ये कमरान की तरफ देखता है, मैंने बात किया है कमरान ने नहीं की, वो काल वाला है, वो बोलता मैंने आपसे बात बिल्कुल नहीं करनी। हसीब से, हसीब का और मेरा झगड़ा हो गया, हम दोनों बात नहीं करेंगे, दोनों हम दोनों बात नहीं करेंगे। रोटी लेके जा रहा था बकरी वाले, तो इसने बोला है कि रोटी बांध ली, वो रा के नहीं लेके जाता है। आपने क्यों बोला? फिर आके रखवाने को बता रोटी उठा कर। ये मेरे साथ झगड़ा कर करके चला गया, जब शाम को वापस आया
तो उधर से हमारे सरप्राइज को देखा जो इश्तेहारा की तरह बार बार शीशे की तरफ जाता था, तो फिर शीशे के ऐसे देखता था मुझे कि ये देख तो नहीं रही, अरे नहीं हंसेगा जब मैं देखूंगी। हंस रहा था कल आपके ऊपर, सर बोला कल हंस रहा था, हंस रहा था तो आपने पूछा आप क्यों हंस रहे हो, तो बोलता है हम अपने बात पे हंस रहे हैं। अबू के साथ था तो ऐसे देख रहा था मुझे, फिर हंस पड़ा। मैंने कहा कि अब क्यों हंसते हो, मैं आपकी बात पर नहीं हंस रहा, मैं आपको देख कर नहीं हंस रहा, मैं अपनी बात पर हंस रहा। अपनी बात पर कौन हंसता है, इधर मेरी तरफ देख के हंसता है। कोई बात जहन में आ जाती है ना इंसान के तो वो हंसने लग जाते हैं। नहीं ये मेरी तरफ देख के फिर हंसा, मैंने जब पूछा तो फिर कहते मैं अपनी बात पर हंसू, और देखिए फिर हंसेगा नहीं हसेगा। हसे बा बड़ा गुस्से सुस्से कर रहे हो क्यों, इसके साथ झगड़ा हो गया? बहुत बड़ा झगड़ा हो गया हम दोनों को। किस बात पे झगड़ा हुआ जरा बताओगे? ये हमको याद नहीं, झगड़ा याद नहीं, बोल रहा था तुम आसिफ को पता होगा। बैठे हुए थे सुबह का नाश्ता बना रहे थे, भाभी भी बैठी हुई थी हमारे साथ, रिजवाना थी, पता नहीं किस बात पर हम लोगों का झगड़ा। नहीं वो आसिफ खुद बताएगा, आसिफ किस बात पे झगड़ा हुआ था आपको ही नहीं पता, ऐसे जबाने बंद है। अच्छा आसिफ चोला फट गया, कैसे हुआ ये सब, हमें इस बात का दुख है। बस ऐसे चले फट गया, ये कैसे मुमकिन ही नहीं है, कोई चीज फंसी होगी। बोलता रहा है झंडी पर था, अच्छा काटे। हाँ हमें बहुत अफसोस है बेचारे का चोला फट गया, रात तो मेरे आंखों से आंसू आ गए जब मैंने ये सुना, और अभी सुबह जब हालत देखी। नहीं ये मेरे साथ गुस्सा करके गया है ना, तो इसने बोला नहीं बात करूंगा, ये गुस्सा करके गया वापसी, इसका कमीज फट गया, ठीक है अब ये अब बोलेगा ये कमीज की है सिलाई करके, अब बोलेंगे ना नहीं पहनोगे। अरे क्या तो बाहर कर ली, सुबह सुबह मैंने उसकी हालत देखी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने मुंह फेर लिया, बेचारे का चोला जो है ना फटा हुआ था। वो कहते हैं आप इसको नहीं पहनोगे, अच्छी बात है सिर्फ आप इसको नहीं पहनोगे। चलो माशाल्लाह नाश्ता अच्छा है हसीब, यारा क्या हाल है, ठीक हो, नाश्ता अच्छा, गरम नहीं है इसको, गरम देख दो यार गरम देख, और वो आपके जेप नहीं है इसकी, अच्छा मैंने कहा ये भी शायद फट गई। नहीं आप ना एक बात सुनो, जब ऐसा देखता है जैसे खा रहा, जब बच्चे ना नाश्ता करते हैं ना उस वक्त बच्चों के साथ में बात ना करते हैं, क्योंकि वो नाश्ता कर रहे होते हैं, फिर उसका नाश्ता ना ठंडा हो जाता है, हम तो बैठे हमारे साथ बात करते हैं। अब एक मिनट भी नहीं लगा उसने रोटी खत्म कर दी, ये हमारे बातों से नाश्ता छोड़ देंगे आपको लगता है? नाश्ता कोई नहीं छोड़ता, ऐसे बात भी करता रहता है बंदा खाता भी रहता है, ऐसे बाप को बुरा लगा बस। वो एक रोटी कैसे खत्म हुई,
वाह, आपसे हर काम उठा लो तला केला। वाह चलो माशाल्लाह, यहाँ से खुशी लगी रहे, एक दूसरे को चिढ़ाते रहो, बहुत मजा आता है हमें तो देखना, हम तो है तमाशा देखने वाले, तो हमें जो ना मजा आता है, चसाती है। आप लड़ा करो डेली, नहीं नहीं डंडे वाला नहीं, लड़ना बातों वाला, मजाक क्या चलती रहती है। आए दुल राजा गोरी खोल दरवाजा, हसीब पीछे बाराती आगे बैंड बाजा। ओ आए दुल राजा, वो देखो गोरी खोल दरवाजा, दुल्हा बनना चाहोगे? नहीं तो हम आपको दुल्हन बना दें, कुछ भी नहीं बनना। और शादी के बंधन में बंधना चाहते हो, शादी भी नहीं करनी। हाँ अभी इनसे मत आ गई है, सीख लिया है कि औरतें कैसे तंग करती है, देख लो। कौसर कौसर देख लो, हसीब तरक गया है आपकी बातों से, बोलता है मैंने शादी भी नहीं करनी, ऐसे तंग करती है। कुहार लेना चाहोगे? नहीं, बोल दो। हाँ जी, वो कहता है पहले कमरान का नंबर है। वाह कमरान और मुनीब, हसीब को हसीब कमरान मुबारक हो। कमरान और हसीब की एक साथ, और बाद में जो है मुनीब की करेंगे, वो बहुत बड़ी खुशी करेंगे। अच्छा वो शेर पुत्र है ना अबू का, बेटा होगा ना। और मंगने का बै, मेहंदी की रस्म का बै, डेट फिक्स का बै, हर चीज वो बताए ना हमें, वो बताएंगे। डेट फिक्स का ना दुल्हन में बदला है, मसाला पाक अभी दुल्हन दे दे, इंशाल्लाह से परेशान नहीं होना। बता दिया है 5 साल बाद। 5 साल बाद नहीं, मैं तो भेज चला जाऊँ तो फिर यार जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, वक्त पे शादियां कर लो। नहीं ये हम भी ऐसे ही बोलते थे, हम शादियां नहीं करेंगे, भाभी से पूछिए आप, देखते जब आपको भी ऐसे जो हमारे साथ वाले होते थे वो ऐसे जब कहते थे कि आपकी भी शादी होगी, हम बोलते थे नहीं। अब हमारे साथ वाले के ना 4-5 बच्चे हैं। ओ तेरी मैं तो डर गया, आपकी शादी होगी, हम कहते हैं नहीं, वो कहते हैं कि हर मुसलमान के ऊपर काजी बैठता है, आप पर भी बैठेगा, हम कहेंगे, हम बोलते थे कि जब काजी ऊपर हमारे सर पर बैठेगा हम उसको नीचे उतार देंगे। आज देखे मशरत है, शादी भी हो गई है, अल्लाह पाक ने बच्चा भी दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह, हसीब को भी अल्लाह पाक 4-5 बेटे दे। मेरी दुआ है हसीब को सबसे पहले अल्लाह पाक बेटी दे। है माशाल्लाह, मैंने कहा हम तो यही दुआ करते हैं हसीब को सबसे पहले अल्लाह पाक बेटी दे। हाँ जी मेरे बात सुनो सेब, आप दुल्हन सेलेक्ट कर लो, पसंद कर लो, जो भी आपको अच्छी लगती है बता दो, शादी करवाना हमारा काम है, बताओ रिश्ता हम लेके देंगे, बताओ। कुछ नहीं, कोई नहीं, अभी कोई ख्याल भी नहीं आता, सोच लो फिर कुआरे ना रह जाना। बच्चे कैसे बताएंगे? नहीं कोई पसंद होती है, मेरी पसंद तो मैंने बता दी थी। चलो मर्जी है सबकी, ठीक है। अलमारी को सेट कर रहे हैं अंदर, वो देखे नीचे
हाँ चलो चलो चलो, ये आप आसानी से आ जाएगी क्योंकि ये छत जो है ना ये ऊँची है कुछ। हमें भी आ गई है सेट करवाने। हाँ इस साइड पे करो ना आप। हाँ अब ये पास इधर करे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये काफी ऊंचा है। नहीं नहीं कमरा ऊंचा है, इस कमरे की छत ऊंची है। चलो जी माशाल्लाह वो पहुंच गई है यहाँ पे जी, फिट हो गई। हाँ खाँटी उतारनी है तो उतार ले। ये थोड़ा चौड़ा है कमरा। ओ घाटे में आ गए इधर इधर। चलो अब सही है। आप मसाला रख देगा अंदर। हाँ जी देखें सेटिंग ठीक है। सेटिंग वो है कमरे वाले। हाँ जी ठीक है बिल्कुल सेम रखी है। सेम कमरे हैं, सेम सामान रखा है, पेटियां भी ऐसे रखी हैं उधर भी। हाँ जी ये भी इधर ऐसे ही है, सेटिंग में आनी थी। ये भी ये खाउटी बच गई है, इसमें अगर कोई तौलिया वगैरह ये वो खड़ा करना है सूखने के लिए तो साफ करके इसीलिए वो कहते हैं इसमें बंद रखे रहे, साफ सुथरे रखे रहे जी, सफाई किया करें, इन चीजों की एहतियात किया करें। कपड़ा सपड़ा लगा दिया, उसको चमका दिया। हाँ जी और अभी ले आए जो भी सामान रखने वाला है। वो कपड़े धो के रखेंगे, मैंने भी धो के सारे रखे हैं, वो ना जो एलर्जी वगैरह होती है वो सारे खत्म हो जाएगी तब। कपड़े धोकर साफ सुथरे करके ना, साफ सुथरी अंदर से भी मिट्टी धूप कोई चीज ना हो, साफ करके फिर रखेंगे। हैंगर है जो कपड़े हैं ना हैंगर वाले, वो हैंगर में डाल के उधर भी कोई कड़े डाले उधर भी कड़े डाले, जो ऐसे रखने वाले हैं वो नीचे ऐसे रख सकते हैं। चलो माशाल्लाह। हाँ जी कपड़े चॉइस कर रहे हैं कि कौन से रखे हैं। हाँ जी चॉइस हो गए जी। अच्छा ये छाते में निकले हैं, ये रखने वाले हैं वो। हाँ जी अभी लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे कपड़े कोई फटे पुराने तो हम रखते ही नहीं हैं, वो किसी को दे देते हैं गरीबों को। बाकी जो है ना ये पहनने वाले हैं सारे साफ। जो पहनने वाले होते हैं वही रखें, जो कि आप नहीं पहनते जो भी पड़े हुए हैं ना सारे देखें, जो पहनने वाले हों वो दे देते। हाँ मैं अबू आज देखूंगी। ऐसे खाली फजूल में पड़े रहे हैं, जगह नहीं होती, अच्छा नहीं लगता। फिर वो कोई मेरे काफ़ी सारे सूट थे, मैंने दे दिए बांट दिए सबको। अभी और भी दिन आई थी काला जान, उनके बेटे को दे दिया था हमने तो। और छोटे भाइयों को भी मेरे कपड़े आ जाते हैं, वो काफ़ी सारे मैंने उन्हें दिए हैं। ये धुले हुए हैं ना, साफ हैं। हाँ
चलो हाँ जो बॉक्स ओ तेरी ये कैसे हुआ ये काटन का सूट ऐसा ही होता है हाँ ये अबू सो रहे थे सुबह सुबह आपने देखा था हाँ कहती है वो देखे अबू का कमीज फटा हुआ है तो फिर अबू को बताया अबू कहते हैं कहाँ है फिर अबू को पता भी नहीं था खत्म ही हो जाता अच्छा मैं समझा आपके धुलाई में शायद फटा है अबू के खुद से फटा है हाँ जी वो ये काफ़ी अच्छा भी नहीं हुआ ऐसे वो मेरे एक ड्रेस है वो उसके साथ का है ये वो भी काटन है मेरा चलो काटन जल्दी यूज हो जाता है अभी इनकी छाते काली अभी इनको साफ सुथरा करके फिर वो हैंगर है ना उनमें डाल के रखे हैं जी आपके कपड़े और अबू के ना उसमें रखूंगी चलो हाँ और ये ऐसा करना जो वो भाभी के अलमारी में नहीं आए वो सारे उठा के इधर रख देना अपने अलमारी में हाँ जी ये धोने नहीं है फिर चार पाइया जो डाल रही हो ये सूखेंगी नहीं वो फर्श ये एक चार पे लेके जा रही हूँ उधर कपड़े रखूंगी अच्छा ठीक है हेल्प करवा लेना इसके साथ अभी जो हम हैंगर में डाल रहे हैं कपड़े जैसा कि बहन ने बताया है क्योंकि इरफान के और इरफान आप ऐसा कर रहे हैं अपने कपड़े ले आए जो उधर पड़े अपने ले आए रिजवाना के कपड़े इधर ही रखेंगे वो उधर भाभी है ना बच्चों के और अम्मी के और अपने फरमान भाई के उधर रख दिया है और इधर मैं रख रही हूँ अपने रिजवाना के अबू के और कुछ जो है जो नए सूट हैं बच्चों के मतलब तीनों बच्चों के कमरान हसीम मुनीब के वो बॉक्स में रखे हुए थे वो भी आप इधर रखूँगी जो वो न्यू हैं कपड़े वो भी इधर रखूँगी कुछ पतला बच्चों को मैं रख रही हूँ और कुछ जो है भाभी ने रखा है अभी इसको मैं डालती हूँ ऐसा करें जो पहनने वाले हैं ना बच्चों के चाहे हमारे भी पहनने वाले अलमारी में रखे हैं जो है न्यू बिल्कुल शॉपर पैक उनको बॉक्स में रहने दें वो बॉक्स से भी ज्यादा थे वो मैंने उसके वो साकेब के बॉक्स में रख दिया था अभी उसके वो मैंने कहा कि साकेब के कपड़े ना मैं एक साथ रखूंगी उसके मैं निकाल लूंगी और कपड़े बस साकेब के पड़े रहेंगे उधर तो वो निकालूंगी फिर इधर से जो पहनने वाले हैं वो निकालूंगी इधर ही रख दूंगी और जो छोटा मोटा सामान होता है ना वो भी बॉक्स में पड़ा रहेगा अभी वो मैं सेट एंड कर लूंगी अभी तो ये बर्तन भी इधर ही रखने हैं वो नीचे वाले खाने हैं ना बर्तनों के लिए हाँ जी एक मैं शूज रखूंगी दो मैं बर्तन रख दूंगी बर्तनों के लिए भी होती है ये अलमारी वैसे कपड़ों के लिए तो होती है सब बताते हैं लेकिन हम जो है सीधी सी बात है हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ऊपर जो है छिपली वो आ जाती है और बिल्ली ऊपर चढ़ जाती है फिर नुकसान करती है इसलिए ना हम इसमें रख देंगे इस्तेमाल के बर्तन है कब भी पता भी नहीं चलता कब मेहमान आ जाते हैं फिर उठाने होते हैं बर्तन ऐसा अगर पेटी में डाल दे तो कैसे उठाएंगे इसलिए इधर रखे रहेंगे जल्दी जल्दी इधर से उठा लेंगे इसलिए हम रख रहे हैं कि ये हम पागल भी नहीं हमको भी पता है कि ये कपड़ों के लिए होती है और बर्तने वाली जो होती है वो और होती है और एक और भी होती है वो सिंगार वाली वो सिर्फ सिंगार उसमें रखा जाता है एक शीशा होता है और उसके साथ एक सिंगार की होती है वो और भी होती है वो इधर से एक ऐसे होती है बेड की तरह उसमें ना नमाज पढ़ी जाती है वो भी होती है ये हमको भी पता है हम भी पागल नहीं है सिंगार वाली अलमारी होती है जो जो फिल्मों में ड्रामों में रखी होती है हाँ जी उस पर सारा मेकअप रखा होता है हाँ जी वो भी मुझे भी बहुत शौक है चलो अल्लाह पाक शौक पूरे करे आपके आमीन अभी तो आपका एक और भी शौक है जो काफी दिनों से बता रहे थे हाँ जी कौन सा भला
हाँ जी आपका इंशाल्लाह मैं इस चीज की हैशटैग कर दी है, वो अल्लाह पाक ने मुझे पूरी कर दी और आगे से भी जो भी ख्वाहिश होगी अल्लाह पाक पूरी कर देगा। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो दिया है अल्लाह का शुक्र है जी। आगे भी अबू का मैं एड्रेस अभी इसमें रख दूंगी, जब अबू का दिल करेगा इधर से उठा कर पहन लेगा। हाँ ऊपर खड़े कर दे, अब अच्छे लगते हैं ना। हाँ जी ऐसे ही सारे टांग दें और जो भी उनको कलर पसंद आएगा ना जी बंदा चॉइस करके पहन लेता है। हाँ जी ये भी अबू का है। हाँ और अभी जहाँ पे आप खड़ी है ना ये देखें अलमारी है ना। हाँ जी इसके साथ आपने चारपाई डाली है, अगर यहीं पे बेड होता आया है कैसा लगता है? बहुत शौक है, मैं कहती हूँ मेरे रूम में ना ऐसे फ्रिज हो और वो कहते हैं जूस मशीन हो और ये अलमारी हो और वो बेड हो सूफे हो, मैं कहती हूँ मुझे मेरा ऐसा कमरा बन जाए जैसे कोई वो ना अमीर होता है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ये भी मेरा ख्वाब पूरा कर देगा, एक दिन वो दिन होगा इस मेरे रूम में ना बेड होगा सूफे होंगे यही पड़े होंगे ऐसे स्कूल से बैठे इंशाल्लाह। वक्त के हिसाब से ना धीरे धीरे ये सब होता है। हाँ जी एकदम से बंदा नहीं कर पाता जी, आस्ते आस्ते जो ना इंशाल्लाह लेते आएंगे हर चीज इंशाल्लाह। रिजवाना भी कपड़े ले आइए अपने। हाँ जी और उसको बोलो मेरे कपड़े भी रख छोड़ो, मेरे कपड़े भी रख छोड़ो। हाँ जी ये ऐसे डालते हैं रिजवाना आप पूछ रहे थे। वो देखो वो हमारे बाबा वो अलमारी में बाबा के कपड़े हैं, बाबा नहीं वो ऐसे होता है ना ड्रेस होता है खुला जैसे कि इंसान ने पहना हुआ, वो ऐसे लगता है जैसे वो अबू के है ना वो देख के माशाल्लाह। सजावट जो शुरू हो चुकी है और इसकी सजावट जैसे जैसे होती आएगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करते आएंगे जी। अभी साकिब सो रहा था तो मैंने सोचा इसकी मैं जल्दी जल्दी से सेटिंग कर देती हूँ, फिर वो जब उठ जाता है उसको ना आज कैरी वगैरह भी कराएंगे और उसको सुलाएंगे फिर से दोबारा, तो अभी तो वो सो रहा है, मैंने कहा कि इसकी जल्दी जल्दी सेटिंग कर दो। अपना इसकी मुकम्मल सेटिंग कर ले रिजवाना। हाँ जी फिर हम इसको दिखा छोड़ेंगे। सही है जी। उसको बोलो आपके कपड़े रख छोड़े, बोलो तो है क्या कहती है? वो खुद भी रख सकती है ऐसी बात नहीं है, उनका भी कमरा है उनका भी हक है, वो भी इस घर की फर्ज है। फर्ज नहीं होता फर्द होता है। फर्द भूल गई थी वो ना वो क्या कहता है उसको नजला जुकाम है इसलिए दिमाग भी नहीं है।